अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। यार प्लीज पंखा जरा बंद करें, यार कर दो ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। यार सीन ये है कि इस टाइम रात के तकरीबन ना एक मिनट टाइम दे, रात के इस टाइम 8:30 बजने में सिर्फ 20 मिनट रह गए, यानी कि 8:10 हुए और इस टाइम मीटिंग चल रही थी एक कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की सॉरी। तो अभी आलियान का मैसेज आया कि यार हम वापस जाने लगे हैं, तो उस जाने से पहले ना उसको हमने दिखाना है अपना जहाँ पे वलीमा हुआ था ना, वो ग्राउंड आलियान को दिखा के लाएंगे। तो मेरे साथ ये आलियान है, हम बस निकलने लगे, पानी पी लूँ बस फिर हम चलते हैं। ठीक है ब्रो? ठीक है आला। सो गाइस ये है वो पार्क जहाँ पे मेरी शादी का वलीमा हुआ था, ये फुटपाथ। हाँ जी, और ये फुटपाथ पर नहीं, अंदर मैं दिखाता हूँ अभी आगे। नहीं नहीं नहीं, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड जो है, यहाँ पे टेंट लगा था। ये जो खाली साइड आ गई, यहाँ पे बड़ा सारा टेंट लगा था एंड तक, यहाँ से लेके वो एंड तक। यार अभी ना हम जरा जा रहे हैं बाहर, ठीक है? आपको बताइए, रैन को ना मिट्टू से बहुत डर लगता है। रैन मिट्टू बुला रहे हैं, उसकी तरफ मूव ही नहीं करती है। मिट्टू बेटे, मिट्टू बुला रहे हैं। शायद नहीं पता होगा लेकिन फ्राइडे को जो है मेरा ऑफ होता है, तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, इसमें रैन का फीडर है। दिखा देख रही हो? सो यार दिस इज मीनार पाकिस्तान एंड हियर इट इज बादशाह मस्जिद। नाइस व्यू यार, मॉर्निंग व्यू है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदरून। यार हम इस वक्त मौजूद है ताजमहल स्वीट्स में। ये थी यार वो चीज़ जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया था। और ये मैडम गत्ता चुबा रही है, माशाल्लाह गत्ते की प्लेट होती है ना वो चुबाई जा रही है। तीनों अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं। ये गोदाम है सारे। सो यार इस टाइम हम मौजूद हैं अंदरून शहर की एक सड़क के अंदर, गली के अंदर। यहाँ हम शायद रहते थे, मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा, तस्वीर ले लिए मैंने घर जाके मामा से पूछूंगा कि हम यहीं पर रहते थे क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है वो सीढ़ियाँ वैसे ही ऊपर जाती थी, यही घर है इसका, ये खिड़की खुलती थी, यहाँ कूलर लगा होता था, ऐसा ही कोई सीन था। सीन इसके यार मैं इतना चिट्टा इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि 3 बल्ब चल रहे हैं यहाँ पे और इसमें क्या कहते हैं पता नहीं क्यों चिट्टा आ रहा हूँ। तो यार हमने जो तस्वीर ली थी वहाँ पे अपने पुराने घर की, तो असल सीन यह है कि वो हमारा पुराना घर नहीं है, क्योंकि मैं पिछली किसी गलत गली में मुड़ गया था और मैं जब वहाँ से शिफ्ट हुए थे, वो 3-4 साल का था मैं उस वक्त, और उसके बाद से मैंने वो घर नहीं देखा। आज मैं 23 साल का हो गया, 24 साल का होने वाला हूँ। तो बस वो हमारा घर नहीं था। हम जब भी अपन रूम लाहौर जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह वो दोबारा उस जगह पे जाकर अपना पुराना घर जरूर एक्सप्लोर करूँगा। अभी बाकी का ब्लॉग देखते हैं। सीन ये है कि यार इस टाइम ना लाइट नहीं आ रही, तो यूपीएस चल रहा है इस टाइम। अभी हम जा रहे हैं यूटी, जुम्मा वगैरह पढ़ लिया हुआ है हमारा, आज है टेस्ट। तो बस हम चीटिंग प्लान कर रहे थे कि हमने चीटिंग कैसे करनी है, अब सारी प्लानिंग हो गई है, टेस्ट के बाद बताएंगे कैसे किया और क्या क्या हुआ। सो यार सीन ये है कि ना टेस्ट हो गया, तो कुछ ना पूछोगे कैसा हुआ। ऐसा हुआ है कि बस हो गया, अगर जो फेल हुआ है ना इस टेस्ट में उसको इस कोर्स का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा बहुत होगा लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलेगा, तो डिग्री वगैरह नहीं होगी कोई भी, लेकिन उम्मीद है पास तो हो ही जाएंगे। हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मुझे ना पहले ये तो आपका मुँह इतना पतला क्यों होता जा रहा है? मैं मोटा होता जा रहा हूँ, पतला होता जा रहा हूँ? मैं थोड़ा ही खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता। क्यों? वैसे डॉक्टर कह रहे थे जो ये साइडन नए आ जाएंगे ना, ये देखो ये जो आ रहे नए, ये आ गए, जब ये आ जाएंगे ना नए, तब मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी होने लग जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि अभी मेरे इन खराब दांतों से ना कुछ मीठा ज्यादा नहीं चबाया जाता, वरना मैं खा ही लेता हूँ कभी कभार थोड़ा। अच्छा ठीक है, तो आलिन भाई निकल गए हैं यहाँ से, कितनी देर में पहुँचेंगे घर? वो कहाँ करें, वो पहुंच भी चुके हैं, पहुंच चुके हैं वो शाम तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो वो शाम को पहुंचे थे। आज के व्लॉग में इतना ही, इसकी बेचारे की तबीयत खराब थी 2 दिन से, इसलिए पतला हुआ है, उसको बुखार हुआ था 2 दिन। उनकी ना डक, वो उनको डक शराबी को ना डक पालने का बहुत शौक था, तो उन्होंने एक डक पाली, 2 डक पाली, एक ब्लैक वाली थी वो जो बहुत प्यारी थी, उससे ज़्यादा पानी पी लिया था, तो सुबह उठ के देखा तो वो मर गई। उसके बाद क्या वो मर गई, हमने गड्ढा खोला, उसको दफना दिया और बस।
हमने कहाँ दफनाया? भाई क्यारी में, क्यारी में हम। अगर किसी के नीचे आ, किसी के पांव के नीचे आ गई तो हमने उसको साइड पर करके दफनाया।